हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर, जो आपको बताता है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्मों का हाल। तो इस हफ्ते रिलीज हुई है तीन बड़ी फिल्में, लेकिन हम बात करेंगे हाउसफुल 4 की। बेसिकली अतार्किक फिल्मों को तार्किक रूप से पूरे कन्विक्शन के साथ पेश करना और उससे हास्य पैदा करना, ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। इसके लिए बहुत मादा चाहिए, इसके लिए चाहिए आपकी लेखनी सटीक हो, इसके लिए चाहिए आपका स्क्रीन पे इतना पावरफुल हो कि दर्शक हिल ना पाए। और डायरेक्टर फरहाद इस पूरे प्रक्रिया में पूरी तरह से सफल नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे स्क्रीन प्ले को बांधा है, हर सीन इस तरह से बंधा हुआ है कि वो आपको हंसने पर मजबूर कर देता है। ये जिस तरह की कहानी उन्होंने कही है, ये हाउसफुल की जो पूरी रेपिटरी चली आ रही 1, 2, 3, उसी की एक चौथी कड़ी है। और ये हाउसफुल 4 ही है, हाउसफुल का कई कई जेनेटिक्स उसमें साफ नजर आता है। लेकिन बावजूद इसके ये एक अलग फिल्म है जिसका ग्रेंजर बहुत बड़ा है। ये कहानी है तीन भाइयों की, जिसमें अक्षय, रितेश और बॉबी देओल है, जो लंदन में एक सलून चलाते हैं। और पैसे की तलाश में वो तीन लड़कियों को पटाने की कोशिश करते हैं जो कि मल्टी बिलियनर है। और जब सारी चीजें तय हो जाती है तो शादी का डेस्टिनेशन तय होता है इंडिया, इंडिया में एक छोटा सा जगह। और यहाँ पर आकर उस राजे रजवाड़ों की दुनिया में आके इन तीनों भाइयों को धीरे धीरे याददाश्त आना शुरू होती है वापस, जो कहीं पिछले जन्म की है, 300 साल 600 साल पुरानी है, कि किस तरह से वो आपस में बंधे हुए थे, किस तरह से ये लड़कियां उनसे प्यार करती थी, किस तरह से एक विलन था वहां पर जिन्होंने इनको अलग किया, और कैसे इनको अपना प्यार वापस मिलता है। ये एक सिंपल स्टोरी लाइन है। अब इसमें जिस तरह से फरहद ने उसके कॉमिक सिचुएशन डेवलप की, जिस तरह के संवाद लिखे, तो एक बहुत ही कमाल का हंसते हंसाते लाफ्टर देते ये फिल्म आप देख सकते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो अक्षय कुमार का स्टारिज्म जो है वो इस फिल्म में और उभर कर आता है। जिस तरह के पिछले हमने उनकी लगातार एक इशू बेस्ड फिल्में देखी है, उससे बिल्कुल अलग अक्षय एक अलग कॉमिक फॉर्म में नजर आते हैं। बॉबी देओल का अंदाज बड़ा अनोखा है, उनको देखकर मजा आता है। रितेश देशमुख कमाल के परफॉर्मर है, कॉमिक टाइमिंग उनका बहुत अच्छा है। कृति सेनन जो है वो एक अलग ही पैकेज में नजर आती है इस फिल्म में। जिस तरह से उनका कॉमिक टाइमिंग उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है, जिस तरह के पूरे उस पूरी इतनी बड़ी स्टारकास्ट में वो अपने आप को एक स्टैंड आउट करती है। कीर्ति खरबंदा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पूजा हेगड़े ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसके अलावा चंकी पांडे आखिरी पास्ता तो हमेशा एक कमाल के करेक्टर हैं ही। पापा रंजीत इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आते हैं। राणा डुबुबत्ती जैसे बाहुबली में जहां आक्रमण होने के बाद जो आता है, उस तरह के किरदार में है। एक बहुत ही पागलों जैसी दुनिया है, पूरी पागल दुनिया है, लेकिन मनोरंजन की पूरी गारंटी है। इस दौर में जब पूरा बाजार मंदी के दौर में है, आपको स्ट्रेस फ्री करना हो, खुद को बिल्कुल मनोरंजन से भरपूर अपने आपको रखना हो, हंसते हंसाते रखना हो, तो आइए दिवाली के दिन हाउसफुल 4 का बम लाइए और उसके मजे लीजिए। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई, मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 4 स्टार। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।